Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press. हमारा पहला क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है रंजक कण, प्रतिजन, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोब्यूजन और लास्ट ऑप्शन है रोगाणु। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रोगाणु। रोगाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो जीवाणु है, पूछा जा रहा है रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्या बोलते हैं। ऐसे पैथोजन तो आपको पता चल ही गया। रंजक कण यानी ड्राई स्टफ, जो ड्राई स्टफ होता है उसे कोई उसको कोई जीवाणु नहीं बोलने वाले। नेक्स्ट आपका जो प्रतिजन यानी एंटीजन है, ठीक है, प्रोब्यूजन, इनसे कोई भी उसको हम लोग रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा चिन्ह मधुमेह रोग का नहीं है, यानी जो मधुमेह रोग होता है उसमें कौन सा सिम्टम नहीं होता है। अत्यधिक मूत्र निर्माण, वजन बढ़ना, थर्ड ऑप्शन आपका भूख लगना और जो लास्ट ऑप्शन है प्यास अधिक लगना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वजन बढ़ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये सिम्टम नहीं दिखाई देता मधुमेह, यानी कोई डायबिटिक पेशेंट है तो अत्यधिक मूत्र निर्माण ये होता है, भूख लगने वाला कंडीशन और प्यास अधिक लगने वाला कंडीशन होता है, लेकिन वजन बढ़ने वाला कंडीशन ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वजन बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्पताल में होने वाले संक्रमण को कहते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ है नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन, पैथोजेनिक इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन और जो लास्ट है आपका एक्यूट इन्फेक्शन। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन जो होता है यानी हॉस्पिटल में जो होने वाला इन्फेक्शन जो होता है कंटेमिनेशन, तो वो किससे होता है, नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ताप 105 डिग्री फारेनहाइट या इससे अधिक हो तब इसे कहते हैं, यानी इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब जो टेम्परेचर हो 105 डिग्री फारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो। आपके ऑप्शन है अति ज्वर, उच्च ज्वर, दोलायमान ज्वर और लास्ट ऑप्शन है विलोम ज्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अति ज्वर, यानी एक्सट्रीम फीवर। ज्वर मतलब फीवर है, ठीक है, एक्सट्रीम फीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महामारी जो देश देश में या पूरे विश्व में फैलती है। आपके ऑप्शन है स्थानिक मारी, विश्व मारी, थर्ड ऑप्शन है छिटपुट रोग और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विश्व मारी। देखिए नाम से पता चल रहा है कि पूरे देश देश में होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, विश्व मारी यानी पैंडेमिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी कोरोना का टाइम चलता है तो कोरोना वायरस देखिए पूरे विश्व भर में फैला हुआ, यानी विश्व महामारी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संचारी रोग को फैलने से रोकने का उपाय, जो संचारी रोग होता है उसे हम लोग कैसे रोकेंगे। आपके ऑप्शन है जन समूह टीकाकरण, सार्वजनिक शिक्षा, पृथककरण, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी जब हम लोग को संचारी रोग को रोकना है फैलने से, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो ये सारे ऑप्शन, जैसे सार्वजनिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है, जन समूह टीकाकरण बहुत जरूरी है, सेपरेशन भी जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवित टीकों को उपयोग कर बचाव किया जाता है। जो जीवित टीका है यानी लाइव वैक्सीन है उसका उपयोग करके हम लोग बचाव करते हैं, चेचक एवं क्षय रोगों का, खसरा, गलसुआ व पित्त ज्वर का, थर्ड ऑप्शन आपका चेचक एवं अनियंत्रित ज्वर का और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खसरा, गलसुआ व पित्त ज्वर का बचाव हम लोग जीवित टीका का उपयोग करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी रोगों का संचारण करती है, कैसे संचारण करती है। आपके ऑप्शन है काटकर, वमन पात द्वारा, अंडे देकर, जीवाणुओं को उत्पन्न करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वमन पात। यानी हमें पता है कि जो घरेलू मक्खी होती है वो क्या करती है, घरेलू मक्खी किसी भी कंटामिनेटेड फूड पे बैठती है और उसको लाके जो हमारा हेल्दी फूड होता है उसके उसके ऊपर बैठती है, तो वो जो कंटामिनेशन होता है वो हेल्दी फूड में चला जाता है। तो ये जो है हमारा ये वमन पात कहलाता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट, पानी से डर लगने का लक्षण रोगियों में उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन है रेबीज बीमारी में, टेटनस बीमारी में, थर्ड ऑप्शन मिजलिस बीमारी में और लास्ट चेचक रोग में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रेबीज। रेबीज में क्या होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी जो वाटर को देख के डर लगता है लोगों को। नेक्स्ट,
टीके बनाए जाते हैं, जो टीका यानी वैक्सीन होता है वो बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है मृत रोगाणुओं से, दुर्बल किए रोगाणुओं से, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, लास्ट नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी, यानी मृत रोगाणुओं और दुर्बल किए रोगाणुओं से, यानी दोनों के हेल्प से हम लोग टीका बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित टीकों का उदाहरण समझा जाता है, यानी जो लाइव वैक्सीन है उसका उदाहरण टाइफाइड वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, डीटी वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको हम लोग लाइव वैक्सीन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ऑटोक्लेव में उपयुक्त पदार्थों का निर्जीवीकरण होता है, यानी स्टरलाइजेशन जब हम लोग करते हैं तो ऑटोक्लेव में क्या कौन से प्रोसेस से करते हैं? रासायनिक कारक द्वारा करते हैं, दाव सही जलवाष्प द्वारा, यूरेनियम द्वारा और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाव सहित जलवाष्प द्वारा है, यानी यदि कोई अपने ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया होगा स्टरलाइजेशन के लिए तो आपको पता होगा कि हम लोग जल सहित जो जलवाष्प होता है उसका इस्तेमाल, यानी दाव सहित यानी प्रेशर भी होता है और वाटर वेपर्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं स्टरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कीड़े के द्वारा संचारित होने वाले रोग हैं, कीड़ा से फैलने वाला जो रोग है उसको क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शन है डायरिया, टाइफाइड, प्लेग और लास्ट ऑप्शन है सभी। तो ये सारे जो हैं ये सारे कीड़े से फैलने वाले रोग हैं, यानी ऑप्शन डी जो है यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल। क्वेश्चन नंबर 14, किस रोग का बूंद यानी ड्रॉपलेट के द्वारा संक्रमण नहीं फैलता? आपके ऑप्शन है मेम्प्स, खसरा, कुकुर खांसी और लास्ट ऑप्शन है खुजली। तो सभी को पता है खुजली जो होता है वो फंगस से होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी खुजली, यानी ये जो है ड्रॉपलेट से नहीं, यदि हम लोग खांसते हैं तो ऐसा नहीं कि खांस रहे हैं तो दूसरे को फैल जाएगा, तो ये तो खांसने से खांसी दूसरे को फैलता है, लेकिन उसी तरह खुजली जो है ये वाटर ड्रॉपलेट से नहीं होता। ठीक है, ये किससे होता है? तो ये फंगस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टीकाकरण के कारण होने वाली स्थानीय प्रतिक्रिया कौन नहीं है, यानी टीकाकरण जब हम लोग करवाते हैं तो कौन सा रिएक्शन हमको देखने के लिए नहीं मिलता है? आपके ऑप्शन है टीका स्थल पर दर्द, सेकंड ऑप्शन ज्वर, थर्ड ऑप्शन घाव और जो लास्ट ऑप्शन है टीका स्थल पर उभार। तो इनमें से टीका स्थल पर दर्द ये तो कई कई सुनने के लिए बहुत मैक्सिमम चांसेस में मिल जाता है, घाव और टीका स्थल पर उभार ये सभी देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये जो ऑप्शन बी है यानी ज्वर ये गलत बात है, ये ज्वर नहीं होता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण के कारण होने वाले स्थानीय प्रतिक्रिया ज्वर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुवीकरण यानी फ्यूमिगेशन हेतु किसका उपयोग नहीं करते हैं, यानी फ्यूमिगेशन हम लोग जब करते हैं तो किसका इस्तेमाल नहीं करते? तो फ्यूमिगेशन के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है सरफेस को, तो उसमें हम लोग अल्ट्रावायलेट किरण, इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मलिन गोलियां और फॉर्मल्डिहाइड गैस। तो अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल हम लोग फ्यूमिगेशन के लिए नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्यूमिगेशन तो पता चल ही रहा है आपको, जैसे इसको भर के जैसे फॉर्मलिन गोलियां हैं उसको डाल के एक सिलेंडर में उसको पूरी तरह से छिड़काव किया जाता है इसको। ठीक है, फ्यूमिगेट किया जाता है, तो अल्ट्रावायलेट किरण का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए हम लोग नहीं करते हैं फ्यूमिगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा का समय अंतराल यानी इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन है आपके 10 डेज, 18 डेज, 5 डेज और लास्ट ऑप्शन है आपका 4 डेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 10 डेज, इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज जो है ये इसका होता है, खसरा जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाए खसरा कितना है तो 10 डेज। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18, भूख ना लगने की अवस्था को कहते हैं, आपके ऑप्शन है एनोरेक्सिया, एनोक्सीमिया, एनोक्सिया एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एनीमिया, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनोरेक्सिया। यानी एनोरेक्सिया में क्या होता है, भूख लगने मतलब भूख नहीं लगता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं एनोरेक्सिया, और इसके बारे में हम देख लेते हैं एनोक्सीमिया के बारे में देख लेते हैं। एनोक्सीमिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, जो आर्टेरियल ब्लड होते हैं तो आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो कौन सा कंडीशन है, तो एनोक्सीमिया हो जाएगा। अब एनोक्सिया क्या है, तो उसी तरह यहाँ भी ऑक्सीजन का कमी होता है, लेकिन कहाँ, तो कुछ ऑर्गन्स या टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है,
तो ये हम लोग बोलते हैं एनोक्सीमिया, एनोक्सिया। और लास्ट आपका है एनीमिया, तो ये तो पता ही है, जो ब्लड होता है ब्लड में आरबीसी की कमी, ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल, यानी जो नॉर्मल ब्लड है, यदि रेड ब्लड सेल की डिफिशियंसी है या डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल लेवल से, तो ये कंडीशन हमारा एनीमिया कहलाएगा। अब हमारा लास्ट देख रहे, तो दो क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, रोगाणुओं की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा वातावरण होता है, यानी किस कंडीशन में आसानी से वो ग्रोथ कर सकता है। आपके ऑप्शन है कूल एंड लाइट, सेकेंड ऑप्शन वार्म एंड डार्क, थर्ड ऑप्शन कूल एंड डार्क, और जो लास्ट ऑप्शन है वार्म एंड लाइट। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्म एंड डार्क, यानी वार्म और डार्क प्लेस पे क्या होता है, ये इजिली ग्रो करते हैं, आसानी से ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी रोगाणु यानी पैथोजन की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता, यानी जो पैथोजन्स होता है उसके वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आपके ऑप्शन है प्रकाश, पानी, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है पोषण। तो पोषण चाहिए, प्रकाश चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन बी है वाटर, ये नेसेसरी नहीं है, यानी जो पैथोजन के ग्रोथ के लिए वाटर नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट फिर से एक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का एक फिर से क्वेश्चन का एक आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है, जिसके लिए जो आपके अभी आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल जैसे राजस्थान जो निकला है, वैकेंसी निकला है, उस वैकेंसी में लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली है, उसके लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वैसे और भी जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।